शक्तिनगर चिल्का दांड ग्राम पंचायत लगभग 40 वर्षों से भवानी नगर में निवास कर रहे हैं। लगभग हजारों की जनसंख्या में भी लोगों के लिए ना ही हैंडपंप, ना ही शौचालय, ना ही बिजली की कोई व्यवस्था है। इसकी सूचना कई बार लोगों ने मिलकर मौखिक रूप से ग्राम प्रधान को दी है, लेकिन ग्राम प्रधान आते हैं व आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक सालों बीत जाने के बाद भी कोई भी, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे पूर्व विधायक रूबी प्रसाद हो, लोगों का दर्द या पीड़ा नहीं समझ पाया है। चुनाव के समय दूधदी विधायक रूबी प्रसाद ने आनन फानन में बिजली के खंभे तो गड़वा दिए, लेकिन बिजली की व्यवस्था अभी भी नहीं है। महिलाएं व बच्चे आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। वहीं पर बच्चे या लड़कियां आरोप लगा रहे हैं कि पिछले लगभग 3 वर्षों से पोल गड़ा हुआ है, लेकिन बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा बिजली को दुरुस्त करने में लगे हैं। वहीं पर ग्राम पंचायत कई जगहों पर कई ग्राम प्रधान इनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बार भी बोले हैं शौचालय के लिए सर, लोग नाम भी दिए लिस्ट में, लेकिन लिस्ट में नाम भी नहीं आया। फार्म भरते हैं 10 बार बात की, कोई लिस्ट में नाम नहीं आया सर। और बिजली का समस्या बिजली के लिए सर तो कई बार भी फार्म कर, यहाँ से लेकर कलेक्टर तक दिया, कोई अब वो नहीं हुआ। प्रधान भी कुछ नहीं सुनता, प्रधान को बोलते तो सुनता ही नहीं, बोलता कर देंगे टाल देता है बात को। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई देखता भी नहीं है। सब बनते हैं प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, लेकिन उन लोगों को कोई ध्यान ही नहीं है। छोटा सा गांव है और वो लोग शौचालय बनवाना चाहिए, लेकिन अभी तक बना नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कविता।